हेलो बच्चों, सुप्रभात सबको। आज हम लोग पढ़ेंगे वाणी का महत्व। ठीक है, वाणी, वाणी मतलब क्या है? हम जो बात करते हैं, है ना, जो हमारे मुंह से जो निकलता है, जो बात हम लोग जो शब्द बोलते हैं, उस शब्द को एक तरीके से बोलते हैं। जिस तरीके का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होना चाहिए, किसके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, मतलब दूसरे लोगों से जब हम लोग बात करते हैं, हमारा बात करने का जो ढंग है वो किस तरीके से होना चाहिए, तो उसका महत्व क्या है, किस तरीके से बात करने से उसका महत्व कैसा हो जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वाणी का महत्व, ये एक कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा तेनालीराम के विषय में। ठीक है ना, वो एक बहुत बड़े विदूषक थे, ज्ञानी थे, तो उनकी जो चतुराई है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, वो किस तरीके से वो एक बात को समझाने में बहुत माहिर होते थे, एक तरीका ढूंढते थे, एक जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्लान बनाते हैं ना, तो एक तरीका ढूंढते थे जिसके जरिए हम जो दूसरा व्यक्ति है उसको आसानी से समझ पाए और उसका सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो सके, है ना। देखो तो आज हम लोग पढ़ेंगे, विदूषक तेनालीराम अपनी चतुराई बुद्धिमत्ता के कारण राजा कृष्णदेव राय के प्रिय थे। तो आइए उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता एक किस्सा पढ़ें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक किस्सा, मतलब एक कहानी है जो कि तेनालीराम की जो चतुराई है, जो बुद्धिमत्ता है, उसको दर्शाता है और उससे हम लोगों को क्या सीखना है, वाणी का किस तरीके से क्या महत्व है और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वाणी का महत्व। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। देखो यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये राजा कृष्णदेव राय है, मतलब अब तो फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, राजा जो है सिंहासन पर बैठते हैं वो, और उनके पास जो दरबारी बैठे रहते हैं उनसे उनकी विचार विमर्श होती रहती है, बातचीत होती रहती है ना। तो राजा ने क्या पूछा, राजा कौन थे, राजा थे कृष्णदेव राय, अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ क्या है। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा कि सबसे मीठी चीज़ और सबसे कड़वी चीज़ क्या है। ठीक है, तो मीठा मतलब क्या है आप लोग जानते हो, जो कि हमें स्वाद में मीठा लगता है और कड़वी भी वही स्वाद को ही हम लोग ले लेते हैं, लेकिन तो इसमें समझने वाली बात क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, देखो हमें तो इस पर तरह तरह के जवाब आए। तो जबकि राजा ने पूछा कि मीठी चीज़ क्या है और कड़वी चीज़ क्या है, तो उसमें हर कोई अपना राय देने लगा, है ना। सबसे मीठी चीज़ के लिए दरबारियों ने अलग अलग नाम लिए। देखो यहाँ राजा बैठे हैं और दरबारी भी बैठे हुए हैं, तो सब कोई, किसी ने कहा लीची, किसी ने कहा चीनी, किसी ने कहा आम, तो सबने अलग अलग अपने अपने राय दे दी, है कि नहीं। तो सबने बताया कि किसके लिए लीची मीठी है, किसके लिए चीनी मीठी है, किसी के लिए आम मीठी है, चीनी मतलब जानते हैं ना शक्कर। ठीक है, उसी तरीके से देखो इस तरह कड़वी चीज़ों के लिए भी नाम आए। कड़वी मतलब क्या है, मतलब जो कि अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है ना। तो उसके लिए भी देखो दरबारियों ने क्या क्या नाम बताया, करेला बताया किसी ने, नीम बताया किसी ने, मिर्च बताया, है ना। तो मीठी चीज़ के लिए भी अलग अलग नाम आए और कड़वी चीज़ के लिए भी अलग अलग नाम आए। तो दरबारियों ने अपने अपने राय सुना दिए, लेकिन देखो लेकिन तेनालीराम जो थे वो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। ठीक है ना, तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठे थे। तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। तो राजा ने उनसे क्या पूछा, क्योंकि तेनालीराम कुछ भी नहीं बता रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, मतलब नहीं मालूम है क्या, बोल के पूछे। तो देखो तेनालीराम क्या बोल रहे हैं, महाराज मैं इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दूंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, महाराज मैं इस प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी ही दूंगा, शीघ्र मतलब बहुत जल्दी। ठीक है, देखो अब देखते हैं क्या हुआ। कुछ दिनों बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ी पहने एक अजीब सा व्यक्ति आया। ठीक है,
उस दिन मतलब जो कि अभी राज दरबार में जो तेनालीराम को और सॉरी तेनालीराम को तो नहीं राजा कृष्णदेव राय सारे दरबारियों से पूछा था एक प्रश्न, तो उसके पूछने के कुछ दिनों बाद राज दरबार मतलब समझते हो ना, जहाँ की राजा बैठे रहते हैं उनके दरबारी बैठे रहते हैं, है ना। तो ये दिखाए थे ना मैंने, देखो ये है राज दरबार जो कि जहाँ राजा भी बैठे हैं उनके दरबारियाँ भी, दरबार मतलब जो विचार विमर्श होता है वहाँ चारों तरफ सब बैठे रहते हैं, मंत्रीगण सब बैठे रहते हैं ना। तो कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक ऊंची पगड़ी पहने एक अजीब सा व्यक्ति आया, ठीक है। देखो यहाँ पर मतलब चित्र में भी दिखाया गया, एक अजीब सा व्यक्ति है, ऊंचा हुआ पगड़ी पहना हुआ है, ऊंची पगड़ी पहनी है उस आदमी ने, है ना। तो उसको देख कर देखो, और उसने आके क्या कहा, महाराज मैं घग्गर नाथ हूँ। कौन है वो अपने आप को कौन बताया, घग्गर नाथ बता रहा है, ठीक है। देखो आपके पड़ोसी पराक्रमी राजा नील नीलांबर जी का राजकवि, तो वो अपने आप को क्या अपना परिचय क्या बता रहा है, बता के दे रहा है। अपने पड़ोसी मतलब आपके जो पड़ोसी राजा हैं उनका नाम क्या था, नील नीलांबर, ठीक है। कृष्णदेव राय के पड़ोसी राजा कौन थे, नील नीलांबर, उनके कौन था कि मैं उनका राजकवि हूँ और मेरा नाम घग्गरनाथ है, मैं वो बता रहा है, ठीक है। वो अपना परिचय किस तरीके से दे रहा है, पड़ोसी राजा नील नीलांबर जी का राजकवि घग्गरनाथ हूँ बोल के वो अपना परिचय दे रहा है, समझ में आया। देखो तो अब क्या हो रहा है, देखो और वो राजा को क्या बता रहा है, शायद आपको शायद अपनी सेना पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। वो किस तरीके से देखो अकड़ के कैसे बात कर रहा है ना, देख रहे हो ना अकड़ के कैसे बात कर रहा है, आपको शायद अपनी सेना पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। घमंड मतलब क्या है, अहंकार करना जो जिसको बोलते हैं ना। पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहें आपकी सेना को तहस नहस कर सकते हैं, तहस नहस मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। देखो तो वो क्या बोल रहा है, अकड़ कर क्या बोल रहा है कि आपको शायद अपनी सेना पर बहुत घमंड है, बहुत अहंकार हो गया है, लेकिन मेरे जो राजा हैं वो जब भी इतने बलवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि वो जब चाहें आपकी सेना को तहस नहस कर सकते हैं, तहस मतलब नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो अब ऐसे अकड़ कर कोई भी बात करेगा, किसी से भी बात करने से कोई गुस्सा हो जाएगा कि नहीं, तो उसी तरीके से देखो यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं सभी सभासद भी क्रोध से कांपने लगे। सभी सभासद मतलब जो कि सभा में उपस्थित रहे सदस्य को सभासद कहा जाता है, ठीक है। तो यह सुनकर जैसे कि वो अकड़ कर बोला कि आपको बहुत घमंड हो गया है, आपको अपने सेना पर बहुत घमंड है, हमारा राजा जब चाहे आपके मतलब आपके सेना को नष्ट कर सकते हैं, तो ये बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत गुस्से में आ गए, है ना, बहुत क्रोध हो गए, क्रोध मतलब गुस्सा हो जाना। और वही नहीं सभी सभासद मतलब सभा में जो भी उपस्थित थे वो सब भी गुस्से के मारे कांपने लगे, ठीक है। देखो तो राजा क्या बोल रहे हैं, देखो अभी राजा भी गुस्से में आ गए थे, तो वो सुनकर तो उस गुस्से में उठकर क्या बोल रहे हैं, ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सजा मिलेगी। तू जो दुष्टता कर रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो भी बात बोल रहा है ना, उसके लिए तुझे दंड मिलेगा, ठीक है। सजा मतलब दंड मिलेगा, हम तुझे कारागार में मतलब इतना ही बोल के वो उनको उनकी बात पूरा नहीं हुआ है, तभी देखो ये जो है जो आया था अपने आप को घग्गरनाथ बता रहा था, है ना, वो क्या बोल रहा है, जबकि राजा ने बोला कि तुझे दंड मिलेगा, तुझे सजा मिलेगी, है ना। तो उसने तुरंत ही बोला, देखो क्या बोला, पर वह अपनी बात पूरी करते, जबकि राजा अपनी बात पूरी करते, तू ठहर जा, तुझे सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा, है ना। तो उतना पूरा नहीं हुआ है उनका, फिर भी वो क्या बोल रहा है, उनको रोक दिया क्या बोल के, पर वो अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही घग्गरनाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। जो घग्गरनाथ पहन के आया था उसने अपनी, देखो यहाँ पर उतार दिया है, पगड़ी और दाढ़ी सब उतार दिया है ना। तो उसने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार दी, सब चौंक उठे, क्यों चौंके, चौंके मतलब आश्चर्य हो गए, कैसे क्यों हो गए, क्योंकि देखो जबकि वो दाढ़ी और पगड़ी उतार दिए तो सामने कौन था, सामने तेनालीराम खड़ा था, ठीक है। तो सामने कौन खड़ा था, तेनालीराम खड़ा था। तो तेनालीराम ने झुककर राजा का अभिवादन किया, अभिवादन मतलब झुककर ऐसे सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, करते हैं कि नहीं, तो वो तेनालीराम ने झुककर राजा का अभिवादन किया और कहा महाराज की जय हो। तो बोलते हैं कि नहीं अभिवादन करके प्रणाम करते हैं, महाराज की जय हो बोलते हैं ना, आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा कैसे झुक झुक के बोलते हैं, सलाम करते हैं ना। तो महाराज की जय हो, आप सबसे बलवान हैं। तो अभी वो क्या बोल रहा है, देखो पहले क्या बोला था, आपसे बलवान कौन है,
उनका पड़ोसी राजा नील नीलांबर है बोल के बोले थे, क्योंकि उनको बात का जो महत्व है उसको समझाना था। इसीलिए अभी क्या बोल रहे हैं, आप सबसे बलवान हैं, ठीक है, आप सबसे बलवान हैं। देखो, अरे तुम तो तेनालीराम हो, हा 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 करके हंस दिए राजा। राजा ने देखा कि वो तो तेनालीराम है ना, तो उसने उन्होंने कहा अरे तुम तो तेनालीराम हो, बोल के हंस दिए, क्योंकि वो तो उसको जानते हैं, है ना, उनके दरबारी वो तो बहुत प्रिय थे राजा के, है ना, प्रिय है। तो देखो महाराज, सबसे कड़वी चीज़ कड़वी बात है। अब उसने देखो क्या कहा, उसने बताया महाराज सबसे कड़वी चीज़ क्या है ना, कड़वी बात है, मतलब जो कि किसी को बुरा लग जाए, बहुत हम लोग बुरा भला कहते हैं तब वो कड़वी हो जाती है बात, है ना। तो घग्गरनाथ की कड़वी बात सुनते ही आप इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। तो घग्गरनाथ जैसे कि खराब बात बोलने लगा, किसी की बुराई करने लगा, आपकी बुराई करने लगा, है ना, तो उसकी कड़वी बात को सुनकर आप बहुत गुस्सा में आ गए और उसको कारागार में डालने की सोचने लगे, है ना, कारागार में डालने की सोचने लगे। लेकिन जब देखो और फिर घग्गरनाथ के चोले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही आप हंस दिए, है ना। वो बता रहा है जबकि घग्गरनाथ ने कड़वी बात बोली तो आप गुस्सा हो गए, लेकिन जब घग्गरनाथ के चोले, मतलब उसका जो बहुरूपी का धारण किया था कि नहीं, छद्म रूप धारण किया था, उसका जो रूप बदल गया जबकि उसने अपना चोला उतार दिया और देखे कि वो तो घग्गरनाथ नहीं है, कौन था, तेनालीराम था, है ना। और तेनालीराम का जो मीठी बात सुनते ही राजा क्या क्या हंस दिए, है ना। तो लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज़ मीठी बात है। तो वो समझाने के लिए इसने इतना सारा नाटक किए थे और क्या बोले, देखिए महाराज मैंने जबकि आपको कड़वी बात सुनाई तो आप गुस्सा हो गए और जब मीठी बात सुनाई तो आप खुश हो गए, है ना, आपको समझ में। तो इसीलिए मेरे लिहाज से सबसे मीठी बात सबसे मीठी चीज़ है मीठी बात, और कड़वी चीज़ क्या है, कड़वी बात, मतलब बुरा बात बोलने से सभी को बुरा लगेगा और अच्छी बात बोलने से सबको अच्छा लगेगा, है ना। देखो तेनालीराम से सभी सहमत थे, अब तेनालीराम की बात सुनकर सब सहमत थे, सब राजी हो गए थे। राजा कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना कीमती हीरे का हार पहना दिया। अब सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। तो राजा ने तेनालीराम को क्या किया, राजा कृष्णदेव राय उठे, खड़े हुए, आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना हीरों का हार पहना दिया और सब उसके बुद्धिमत्ता का तारीफ करने लगे, सब उसका जय जयकार करने लगे, है ना। अब सबको पता भी चल गया था कि सबका मतलब मीठी बात जो है वो मीठी चीज़ बोल, मतलब मीठी बात होती है और कड़वी चीज़ बोलने से कड़वी बात होती है। हम किसी से भी अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बात करें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और हम बुरे व्यवहार करेंगे तो हमारे लिए भी बुरा रहेगा, है ना। तो देखो, तो हमने क्या सीखा, सबसे मीठी चीज़ मीठी बात है और सबसे कड़वी चीज़ कड़वी बात है, ठीक है। हमने क्या सीखा, सबसे मीठी चीज़ जो है मीठी बात और कड़वी चीज़ कड़वी बात है। अच्छा बच्चों, इसमें और एक दो प्रश्न था, मैंने आपको बताया नहीं, दो प्रश्न देखो मैं बता देती हूँ। राजदरबार में कौन आया था राजदरबार में, पड़ोसी राजा नील नीलांबर का राज कभी घग्गरनाथ आया था, ठीक है, उसको लिखोगे। और दूसरा जो है, सब लोग क्यों चौंक गए, क्योंकि घग्गरनाथ के चोले के नीचे तेनालीराम खड़ा था, इसलिए सब लोग चौंक गए थे, है ना, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको सुनना अच्छे से, जो समझने आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हो, और लाइक और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।